हेलो सर, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक जानकारी देने वाला हूँ। मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है हर स्टेट में निकल रहा है, बिहार में, मध्य प्रदेश में और आपका कर्नाटका में और छत्तीसगढ़ में फिलहाल में निकला है। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टेट में जहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट निकला है वहाँ पे स्टेट का रजिस्ट्रेशन ना मांग के सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन मांगा है। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑल ओवर इंडिया का होना चाहिए। बट अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि CCIM पहले ही डिसॉल्व हो चुका है, तो कुछ लोग CCIM के नाम पे सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक ले रहे हैं। तो एक नोटिफिकेशन आया है NCISM के द्वारा अभी 20 मई 2022 को, उसमें ये बताया गया है कि लास्ट जो सेंट्रल से रजिस्ट्रेशन हुआ था वो आपका फरवरी 2017 में हुआ था। उसके बाद से कोई भी सेंट्रल से रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। उसके बाद से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सेंट्रल का वो बंद है। तो आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फेक रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे ही मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट होता है उसमें भर्ती हो जाते हैं और फर्जी तरीके से फिर वो काम करने लगते हैं। तो इस चीज को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर सोचो जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्टेट से है और जो पहले से मेहनत कर रहे हैं तो उनका क्या होगा अगर ऐसा फर्जी तरीके से अगर पोस्ट में अगर भर्ती होने लग गया। तो आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दिया जाए, आप लोगों को थोड़ा सतर्क किया जाए। तो आज के वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।